कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मेरी बर्थडे थी, तो बस मेरी बर्थडे थी तो मैंने आप ही और अपनी भाभी को इन्वाइट किया था, सब बच्चे वगैरह के। अच्छा मतलब मिल के बैठेंगे और अच्छा सा टाइम गुजर जाएगा। काफ़ी अर्से से ये लोग मेरे घर नहीं आए थे तो मैंने कहा चलो इसी बहाने आप लोग आओ तो सही। तो यार सुबह सुबह का टाइम था, मैंने घर की फटाफट काम किया, सफाइयाँ करी, ये तो बेसिक सा काम है ना भाई, ये तो लाजमी है। तो उसके बाद मैं ये आ गई थी बेकरी पे और यहाँ से मैं केक पसंद कर रही हूँ और ये वाला ब्राउन वाला मुझे अच्छा लगा था। तो बस ये भी हम लोग यही अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा लें कैसा ना लें, और एक लें दो लें कितने पौंड का, ये सब चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। जी तो मैंने ये वाला केक फ़ाइनल किया था, मुझे बहुत मज़े का लगा था, चॉकलेट केक था और बहुत ही फ्रेश था कि जब हम लोग लेके भी आए तब भी उन्होंने कहा कि जल्दी से इसे कट कर लेना या इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। मैंने कहा जाहिर सी बात है इतनी गर्मी है फ्रिज में ही रखेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी था और यहाँ पे मिनाहिल अपना मज़े से इंजॉय कर रही थी, सब कुछ रेडी था, बस मेहमानों के आने का वेट था और उन्होंने बहुत लेट कर दी थी। और उनके आने से पहले पहले ये कि मैं रेडी भी हो गई थी और यहाँ पे देखे मैंने बिरयानी के लिए मैंने कौरमा भी रेडी कर लिया था, सारा जो सामान होता है वो भी मैंने रेडी कर लिया था कटिंग वगैरह के। और हाथ में देखिए मेरे लाइनर है क्योंकि मैं मेकअप कर रही थी, और साथ साथ मैंने कहा चले मुझे एकदम याद आया मैं व्लॉग तो बना लूँ, साथ में जो क्लिप्स हैं वो तो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये मैंने यहाँ पे चाट भी बनाई थी और ढेर सारी चाट बना के मैंने इसे फ्रिज में रख के सब कुछ मतलब मैंने रेडी कर लिया था। और अब मैं ये सोची थी कि मैं मिनाहिल के कपड़े चेंज करूँ कि ना करूँ, ये वाले ड्रेस मैंने सोचा था कि मैं मिनाहिल को पहनाऊँगी, फिर पहनाया बाद में, लेकिन ये कि इसमें भी प्यारी लग रही थी क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, दिल ही नहीं कर रहा था कि कुछ पहनने का। खैर फिर मैंने मिनाहिल को भी मतलब रेडी वगैरह किया, यहाँ पे मैं खुद रेडी हो रही हूँ और यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग टेबल का हाल चेक करें तो यहाँ पे आप ही वगैरह आ गए थे और यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, कबाब मैंने खुद अपने घर में बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। और बस यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने टेबल सेट कर दिया है और खाने में मतलब रिफ़्रेशमेंट पहले थी और बाद में रात के टाइम ना डिनर था, उसमें मैंने बिरयानी बनाई थी और रिफ़्रेशमेंट में चाट थी, पिज़्ज़ा थे और कबाब थे, शामी कबाब, चिप्स वगैरह और चाट, चना चाट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये तो मस्ट होती है। तो बस ये सब चीज़ें थी। तो सबसे पहले मैंने कहा पहले मुझे व्लॉग के लिए मुझे क्लिप्स लेने, तो उसके बाद सब खाना। तो यहाँ पे मैं क्लिप्स वगैरह ले रही हूँ, उसके बाद फिर सब ने अपना इंजॉय किया। जी तो यहाँ पे केक काटने से पहले गिफ्ट वगैरह जो थे वो मैं मुझे दे रहे थे, और ये भाभी और आप ही लेके आए थे मगर बच्चे वगैरह था ऐसी बात है, तो वो लोग सब मुझे दे रहे थे। तो बस अच्छा सा बहुत अच्छा टाइम गुजरा बच्चों के साथ भी, और अब तो आप इन सब बच्चों को पहचान ही गए होंगे, मेरे आप ही और मेरी भाभी के ये सब बच्चे हैं माशाल्लाह, और ये सब कज़न्स हैं। जी तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा मैंने कहा फोटोशूट कर लूँ तो बस वो आए थे, उनके साथ थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह बनाई थी, फिर वो बाद में चले गए थे केक कटिंग के टाइम पे, बस हम लोग ही थे। जी तो माशाल्लाह से सब कुछ हो गया था, तो यहाँ पे बस अब केक कटिंग टाइम चल रहा था और ये बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट होता है। जी तो यहाँ पे फिर गिफ्ट ओपनिंग चल रही थी और ये सब चीज़ें मैं फटाफट जितना थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं दिखा सकी मैंने दिखाया है, आगे जाके मैं आपको सारे दिखाऊंगी कि क्या क्या मुझे गिफ्ट्स मिले थे। तो उसके बाद ये आ गया है डिनर का टाइम, यहाँ पर मैंने बनाई थी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी, साथ में सैलड थी, रायता, कोल्ड ड्रिंक, बहुत मज़े का पूरा डिनर था और फुल डे बहुत मज़े का गुजरा। अच्छा तो यहाँ पे मैं आपको गिफ्ट दिखा रही हूँ मुझे किसने क्या क्या दिया, तो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सबसे पहले जो लिप ग्लॉस हैं ये मुझे दिए मेरी आपी ने,
और ये फोर का इस तरह पेयर है और सारे कलर्स हैं, इतने प्यारे इसके कलर्स हैं, मैं आपको इसके कलर्स भी दिखाती हूँ, ये देखें कितने प्यारे हैं, एक से बढ़कर एक। और लिप्स पे लगे हुए भी ये इतने प्यारे लग रहे थे। नेक्स्ट आप ही नहीं मुझे दिया था ये पैलेट, आई शेडो पैलेट, ये कह लें कि आप स्मोकी और ये जो आईज़ होती है ना उसके लिए परफेक्ट है। सारे कलर्स जो हैं सब ये आइडियल कलर्स हैं स्मोकी आइज़ के लिए, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नेक्स्ट ये मुझे दिए था मेरी भाभी ने, और ये देखें सही जैसे कितने मज़े के कलर हैं, इतने अच्छे इनके पिगमेंट हैं, और सही जैसे कलर बोर्ड होता है ना वो है ये, ठीक है। तो क्योंकि सबको पता है कि मुझे मेकअप का बहुत शौक है और मुझे मेकअप की कलेक्शन भी मतलब जो है प्रोडक्ट्स जितने भी उनको कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है, तो बहुत अच्छा था वो भी पैलेट। और नेक्स्ट ये मुझे भाभी ने ही दिया था, और ये था ये इस तरह के फ़िश वाले छोटे छोटे बाउल थे, बहुत प्यारे थे, बहुत छोटे साइज़ के थे, और जिसमें कि कोई चटनियाँ वगैरह कोई भी चीज़ छोटी मोटी रखो बहुत अच्छी लगती है गेस्ट के सामने भी। और ये भी भाभी ने ही दिया थे, और ये कप सेट है, ठीक है, पिट्स और कप, और ये भी बहुत प्यारा था। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं हाजिर होती हूँ, मुझे दे तब तक इजाज़त, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।